हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर JLR एक नया एयर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लेके आया है। JLR यानी कि जगुआर एंड लैंड रोवर। तो वैसे तो ये दोनों कार का ओनर एक ही है, टाटा। आपको पता ही होगा कि टाटा ने उसको खरीद लिया था। और गाइज, ये टेक्नोलॉजी JLR की जो अफीकी कार्स आती है तो उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उनसे 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इस टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, जगुआर और लैंड रोवर ने अभी अभी ये रिवील किया है कि वो अपनी PM2.5 फिल्टर एयर नैनोई टेक्नोलॉजी को न्यू एयर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करेंगे। और इस टेक्नोलॉजी में जो नया फिल्टर यूज़ होने वाला है वो है नैनोई एक्स, यानी कि उसका नाम है। तो ये नैनोई एक्स जो टेक्नोलॉजी है उसको पैनासोनिक ने डेवलप किया है। तो JLR अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को नैनोई एक्स टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करेगा। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को दो डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है। और जो जनरल टेस्ट होता है उसे ऐसा रिजल्ट आया है कि ये टेक्नोलॉजी की मदद से 30 मिनट में 97% वायरस और बैक्टीरिया को रोका जा सकता है। और जो दूसरा टेस्ट है वो स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के लिए किया गया था, जिसमें ऐसा पता चला है कि 2 घंटे की टाइम पीरियड में हमें 99.995% का सक्सेस मिला, यानी कि हमें 99.95% है वो कोरोना वायरस के प्रति ये हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। तो यही कुछ टेक्नोलॉजी है वो आपको अब से जो न्यू कार्स आए कि जगुआर और लैंड रोवर की, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिन लोगों को इस नंबर और टेक्नोलॉजी में कुछ पता नहीं चला, उनके लिए एक सरल भाषा में कहूँ तो हमारे एनवायरनमेंट में एक तत्व होता है जिसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल के नाम से जाना जाता है। ये तत्व हमारी जो हवा होती है उसे साफ करता है, यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसे वो नाबूद करता है, यानी कि बैक्टीरिया के प्रति एक प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। और ये नेचुरली होता है, इसे कोई बनाया नहीं जा सकता, लेकिन यानी कि जो नेचर होता है, हमारी जो प्रकृति है वही हमें ये जो तत्व है वो प्रोवाइड करवाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो JLR है यानी कि जगुआर और लैंड रोवर है, उसने अपनी कार में एक बड़ी मात्रा में इस तत्व को बनाने के लिए बिजली का उपयोग किया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जो ये तत्व है उसको वो अपने जो कार के कैबिन होता है उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये कार में प्रोड्यूस होगा तो अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा उसको साफ कर देगा, यानी कि जो बैक्टीरिया होगा जो मनुष्य यानी कि ह्यूमन बॉडी को जो नुकसान पहुंचाएगा उनको नाबूद कर देगा। दोस्तों, ये कोई नया तत्व नहीं है कि हाल ही में उसको ढूंढा गया और फिर ये लोग यूज़ में ले रहे हैं, ये बहुत ही पुराना है। इसका जो है खोज वो पहले हो चुकी है, लेकिन ऐसा कोई यूज़ अभी कार में नहीं हुआ था। लेकिन जो JLR है वो अब इसको जो कार में है यानी कि कार के टेक्नोलॉजी में यूज़ करने वाला है। और दोस्तों, ये जो सिस्टम है वो आप कार के अंदर एंटर होने के कुछ टाइम पहले, अगर ये सिस्टम को रिमोटली अपने कार में स्टार्ट कर दो तो जब आप कार में एंटर हो उससे पहले ही वो अपने साफ कार का जो पूरा का पूरा केबिन है वो साफ कर देगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बीच में कहा कि ये टेक्नोलॉजी आपको JLR के जो नए मॉडल है, जो iPace हो गया, लैंड रोवर, डिस्कवरी, ईवोक है, यानी कि इसके बाद जो इसकी न्यू जनरेशन आएगी उन सब में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको iPace का वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में।